हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन कंटिन्यूशन विद अवर चैप्टर ऑफ केमिकल कंट्रोल ऑफ़ प्लांट डिजीजेज आज हम बात करेंगे कॉपर फंजिसाइड्स की मेरे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कुछ सल्फर फंजिसाइड्स की ओके सो लेट्स स्टार्ट इट आज हम कॉपर फंजिसाइड्स और कुछ और फंजिसाइड्स के बारे में जानेंगे सो केमिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेज कॉपर फंजीसाइट्स कौन कौन से हैं कॉपर सल्फेट प्रिपरेशन ये देखेंगे हम कॉपर कार्बोनेट प्रिपरेशन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रिपरेशन क्यूप्रस ऑक्साइड प्रिपरेशन ऑक्साइन कॉपर प्रिपरेशन तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी मिक्सचर की जो कि बहुत कॉमन मिक्सचर है और आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है सो so यदि हम कॉपर कंपाउंड्स की बात करें तो कॉपर इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव मेटल कैटायंस एंड इट्स एक्शन इन द फील्ड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज इज एक्सप्लेन टू बी ड्यू टू इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स दैट मीन्स कॉपर का क्यों यूज़ है फंजीसाइड्स में बिकॉज ये क्या करता एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देता है द फिसाइडल एक्टिविटी ऑफ कॉपर वॉज मैं अर्ली एज एटीन ओ सेवन बे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वीर सीड्स फॉर कंट्रोलिंग ऑफ बंट डिजीजेस इट्स वाइड स्केल यूज एज फंजिसाइड केम इन प्रैक्टिस ड्यूरिंग द एंड ऑफ नाइनटीन सेंचुरी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ बॉडीक्स मिक्सचर तो जब बॉडिक्स मिक्सचर की डिस्कवरी हुई तभी हमें कॉपर कंपाउंड्स के बारे में कि कॉपर को भी हम एज अ फंजिसाइड यूज कर सकते हैं इसके बारे में हमें पता चला बॉडिक्स मिक्सचर व डिस्कवर्ड बाई मिलाडेट इन एटीन एटी फाइव एंड इज मोस्ट वाइडली यूज कॉपर फंजीसाइड थ्रू आउट द वर्ल्ड द फंजिसाइड इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट दैट इज सी यू एस ओ फोर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रेटेड लाइन दैट इज कैल्शियम सी ए ओ एच का होल्ड ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या हाइड्रेटेड लाइन है कॉपर इन्ग्रीडिएंट ऑफ बॉडी एक्स मिक्सचर प्रूव समटाइम्स टू बी टॉक्सिक टू द प्लांट बट इट इज द लाइम विच एक्ट एज सेफनर एंड हेल्प रिड्यूसिंग इज फाइटो तो लाइम के साथ इसके यूज से ये बहुत सेफ हो जाता है प्लांट्स के लिए बॉडी एक्स मिक्सचर शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर फ्रेश बिकॉज ऑन स्टैंडिंग द प्रसिपिटेड फॉर्म्स स्मॉल स्पेरोक्रिस्टल और क्रिस्टेलाइट एंड लूजेज द फनजीसाइडल एफिशियंसी तो जो प्रिकॉशंस हमें क्या रखनी है बॉडी एक्स मिक्सचर की

ट इज फोर किलोग्रामी हम लाइन डालते हैं एंड हंड्रेड गैलन ऑफ वाटर में इसको प्रिपेयर करते हैं वैसे अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट प्लाट्स कोई हर्ब्स हैं या कोई हाया प्लाट्स हैं या हम किस तरह किस टाइम पर स्प्रे करें तो हम जो भी इसके कॉम्बिनेशन में उसको हम चेंज कर सकते हैं तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशनस हैं इन किन किन कॉम्बिनेशनस के अंदर हम बॉडी मिक्सचर को बना सकते हैं और मोस्टली हम जो फ़ोर इस टू फोर इस टू फिफ्टी ये वाला कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं सो बॉडी मिक्सचर Is an excellent fungicide for basically two reasons. ye pahala inherent fungi toxicity ho teander and second tenacity. On weathering, its fungicidal efficiency improves further instead of deteriorating. It is always to be used in high volumes because of lime. Bodyx mixture is sometimes phytotoxic to tender leaves and other parts. However, this fungicide is specific against downy mildews. ब्लाइट्स कॉफ़ी रस्ट वीरियस लीफ स्पॉट डिजीजेस रॉड डिजीजेज एंड सो ऑन सो इट हैज़ रिमेन द स्टैंडर्ड फंजिसाइड्स अगेन डाउनी मिल्टीज ऑफ ग्रेप्स एंड अदर इट्स इंसेप्शन इन एटीन एटी फाइव मतलब एटीन एटी फाइव जब में जब इसकी खोज हुई तो इसको स्टैंडर्ड फंजिसाइड की जैसे यूज़ किया जाने लगा यह है ऑब्जेक्टिव है कि हमें वन परसेंट बॉडी मिक्सचर किस तरह से बनाना है तो आप ये इसमें लिखा हुआ है आपको फाइव के जी कॉपर सल्फेट लेना है फाइव के जी लाइम लेना है दोनों को टू फिफ्टी टू फिफ्टी लीटर ऑफ वाटर के अंदर हमें अलग अलग डिजोल्व कर देना है और फिर बाद में इसको मिक्स कर देना है ये बॉडिक्स में हाउ टू प्रिपेयर बॉडिक्स मिक्सचर ये आपके प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी है तो इसको हम वहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके बारे में नाउ टेस्टिंग फॉर फाइटोटॉक्सिसिटी तो जो फाइटोटॉक्सिसिटी की मतलब जो भी आपने बॉडिक्स मिक्सचर बनाया है वो कितना मतलब प्लांट्स के लिए कितना हार्मफुल है या प्लांट्स के लिए कितना टॉक्सिक है इसके लिए हम इसका टेस्ट करते हैं और यदि स्प्रे होने पर लीफ बर्निंग हो रही है या कुछ और लेजेंस से डेवलप हो रहे हैं वो उसके अंदर तो फिर हम उसको क्या करते हैं डाइल्यूट कर देते हैं ओके तो इस तरह से हम इसको अलग अलग डिजीज डाउनी मिल है पाउडरी मिल है लीफ ब्लाइट एंथेक्नोज लीफ स्पॉट सिट्रस कैंसर सिट्रस कैंकर, कैंकर एक्सेट्रा इन इन चीज़ों के लिए हम बॉडी मिक्सचर को यूज कर सकते हैं उसके बाद सेकेंड चीज़ आती है बॉडी एक्स पेस्ट बॉडिक्स पेस्ट क्या होता है इट इज द पेस्ट फ्रॉम बॉडिक मिक्सचर विच इज मेनली यूज फॉर द ट्री वुंड ड्रेसिंग्स टू प्रिवेंट एनी फंगल अटैक ट्री वुंड्स की ड्रेसिंग के अंदर काम लिया जाता है इट इज कॉमनली यूज इन कंट्रोलिंग स्टेम ब्लीडिंग डिजीज ऑफ कोकोनट द पेस्ट इज जनरली प्रिपेयर यूजिंग ग्रेडियंट्स इन द रेशियो वन इज टू वन इज टू वन दैट इज़ हम इनको एक एक के मतलब वन 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 के रेशो में लेते हैं तो कॉपर सल्फेट हो गया लाइम हो गया वाटर ले गया क्योंकि हमें क्या करना है इसका पेस्ट बनाना है एंड अमाउंट ऑफ वाटर यूज एज ड्रेसिंग एग्जाम्पल मतलब किस में यूज़ होता है जैसे मैंने पहले बताया इसका स्टेम सिक्रिएशन के अंदर या ब्लीडिंग डिजीज ऑफ कोकोनट डिजीज के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं देन कम्स द बर्गैंडी मिक्सचर और सोडा बॉडी एक्स मिक्सचर तो बर्गेंडी मिक्सचर क्या होता है इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बॉडी एक्स मिक्सचर इन इट लाइम इज़ सब्सटिट्यूटेड बाय द सोडियम कार्बोनेट ओके उसके अंदर हम लाइम यूज़ करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसके अंदर हम क्या यूज़ करते, है? करते हैं सोडियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं सोडा बॉडी एक्स मिक्सचर कहते हैं इट इज़ प्रिपेयर्ड यूजिंग कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट दैट मीन्स जो इसका रेशियो होगा टेन फोर पॉइंट फाइव किलोग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड फाइव पॉइंट सेवन किलोग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन फिफ्टी फिफ्टी गैलन ऑफ़ वाटर बर्गेंटी मिक्सचर इज लेस फाइटोटॉक्सिक इट इज ऑफन यूज फॉर टेंडर फॉलिएज एंड डज नॉट प्रोड्यूस ब्लैमिशेज हावे व बर्गनडी मिक्सचर एज वेल एज एनी अदर सब्सटीट्यूट ऑफ बॉडी मिक्सचर कुड नॉट बिकम सो पॉपुलर एज द बॉडी मिक्सचर इट सेल्फ तो कुछ ये कुछ टेंडर लिप्स के लिए जो टा प्लांट्स होते हैं उनके लिए हम बरगंडी मिक्सचर यूज़ करते हैं पर फिर भी जो ए, बा, जो बॉडिक्स मिक्सचर है उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसको अभी तक रिप्लेस नहीं किया गया है तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं कि किन किन कॉम्बिनेशंस में हम इनको बना सकते हैं ओके तो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस है टेस्ट एसिडिटी और एल्किनिटी बाय लिटमस पेपर बिफोर यूज इफ़ ब्लू लिटमस बिकम रेड एसिडिक मेक न्यूट्रल हमें उसे न्यूट्रल बनाना है देन दिस बर्गंडी मिक्सचर नॉट यूज नाउ वट इज दिस फर्स्ट बी एम इज फॉर द बर्गनडी मिक्सचर इज नॉट यूज नाउ वट इज बिकॉज लाइम इज अवेलेबल एंड इट इज़ लेस इफेक्टिव एंड कॉस्टली देन द बॉडी एक्स मिक्सचर तो बॉडी एक्स मिक्सचर ही अभी तक जनरली यूज किया जाता है बर्गंडी uh, मिक्सचर के कंपेरिजन में दैन कम्स द चेस्ट नट कंपाउंड ये क्या होते हैं चेस्टनट कंपाउंड इज़ ए क्यूपरा अमोनियम फंजिसाइड एज इट कंटेन्स कॉपर सल्फेट टू पार्ट्स एंड अमोनियम कार्बोनेट इलेवन पार्ट्स तो ये क्यूपरा अमोनियम फंजिसाइड्स होते हैं कॉपर सल्फेट और अमोनियम कार्बोनेट से मिल बने होते हैं टू इस टू इलेवन के रेशियो में द टू सब्सटीटुएंट्स आर वेल पाउडर्ड एंड थोरोली मिक्सड एंड द ड्राई मिक्सचर इज स्टोर्ड इन एन एयर टाइट रिसेप्टिकल एयर टाइट जा फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स बिफोर इट यूज To prepare a solution of this mixture for spray in soil, one ounce of this mixture is first dissolved in a little hot water, which then is added in cold water to obtain two gallons of the solutions. तो ये इसके dilutions दे रखे हैं। ये किस तरह से हमको इसका dilutions use करने चाहिए? और इसको किसने खोज किया था? Büle 1921 ने इस chestnut compound को के बारे में बताया था कॉपर सल्फेट हो गया अमोनियम कार्बोनेट हो गया इन दोनों को मिक्स कर देते हैं 24 फोर आवर्स में बॉटल में रख देते हैं ओके अमोनिया विल बी लॉस एट 30 ग्राम मिक्सचर इन 9 लीटर्स ऑफ वाटर ये इसकी डायलूशंस हैं और ये किसके लिए यूज होता है इट इज़ यूज फॉर द ड्रेंचिंग फॉर डैम्पिंग ऑफ फॉर द डिसिनफेक्शन नॉट स्टोर इन मेटालिक कंटेनर्स इसको भी हमें मेटालिक कंटेनर्स के अंदर नहीं रखना चाहिए देन फिफ्थ कॉपर फंजीसाइड इज चौबाटिया पेस्ट चौबाटिया पेस्ट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाई यू बी सिंग इन नाइनटीन फोर्टी टू टू फोर्टी थ्री एट द गवर्नमेंट फ्रूट रिसर्च स्टेशन जी एफ आर एस गवर्नमेंट फ्रूट रिसर्च स्टेशन चौबाटिया इन द अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरांचल ओके जो कि पहले उत्तर प्रदेश में था in india the paste is prepared by mixing copper carbonate and red lead copper carbonate 800 grams and red lead 800 grams in 1 liter of raw linseed oil this fungicide is used in orchards of apples pears peaches to control stem black स्टेम ब्राउन स्टेम कैंकर एंड पिंक डिजीजेस तो ये इसकी कॉम्बिनेशन हैं ये रॉल इंसीड ऑयल कितना लेना है ये आई हैव एक्सप्लेन य पेस्ट बना लेते हैं और ये एग्जाम्पल है कि किस डिजीजेज के अंदर ये काम आता है देन कम्स द कापर ऑक्सीक्लोराइड कंपाउंड इन इंडिया लो सोलबल कॉपर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड रिएक्टिंग विद एयर फोर टू टू परसेंट कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसको एज अ डस्ट के लिए यूज़ किया जाता है फिर वेटेबल पाउडर बना बनाया जा सकता है इसका फिफ्टी परसेंट पे और ये किस ट्रेड नेम से बिकता है ब्लिटॉक्स फिफ्टी फाइटोलॉन ब्लू कॉपर फिफ्टी क्यूप्रामार एक्सेट्रा एंड इट इज़ यूज फॉर द पोनो फंजाई के ऊपर इन्फेक्शन के अंदर इसको काम लिया जाता है ये इसका इस्प्रेइंग की डिटेल्स हैं कितने एट द रेट ऑफ कितने किलोग्राम और कितने लीटर में इसका हम सोल्यूशन बना के इसको स्प्रे करते हैं ओके देन क्यूप्रस ऑक्साइड फोर टू ट्वेल्व परसेंट डस्ट फिफ्टी परसेंट स्प्रेइंग दैट इज़ वेटेबल पाउडर इसका ट्रेड नेम क्या है फंजीमार पैरानॉक्स क्यूप्रोसाइट, क्यूप्रस फिफ्टी एक्सेट्रा और इसको किसमें यूज किया जाता है इट इज़ यूज इन द ब्लाइट डिजीजेज डाउनी मिल्टू एंड रस्ट डिजीजेज स्प्रेइंग की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हैं कि हमें किस डाइल्यूशन के अंदर स्प्रेइंग करनी चाहिए या डस्टिंग करनी चाहिए ओके नाउ नेक्स्ट इज डाई कार्बोक्सीमाइड फंजिसाइड इसमें सबसे पहला है आइप्रोडाइन ये इसका फार्मूला है कि एक आइप्रोडायन का क्या फार्मूला होता है इसका ट्रेड नेम किससे मिलता है ये रोवरॉल या ग्लाइकोफिन या चिपको टू सिक्स जीरो वन नाइन कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स इसको हम वेटेबल जो भी पाउडर या डस्ट की जैसे यूज़ कर सकते हैं और बॉट्राइटिसक्लरोशिया मोनिलियना एक्सेट्रोल्टन एरिया इन कई डिजीजेस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है सेकेंड जो आपका है डाई कार्बॉक्सीमड फनजिसाइड वो है विंक्लोजोलिन तो इसके भी डिटेल्स दे रखें इसका केमिकल फार्मूला है ये किस ट्रेड नेम से मिलता है रोनिलन और वर्नान एक्सेट्रा है और यूज फॉर द स्क्लेरोशियाना या मोनिलिनिया तो कहने का मतलब है कि आपको जो कॉपर फंजिसाइड हैं उनकी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि ये ये कॉपर फनजीसाइड्स हैं और उनमें से कुछ के बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए कॉपर फंजीसाइट्स के बाद चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मर्क्यूरिक फंजीसाइट्स की तो मर्क्यूरी फंजिसाइड्स क्या होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी फंजिसाइड और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में हम बात करेंगे मर्क्यूरिक क्लोराइड एच जी सी एल टू एंड मर्क्यूरस क्लोराइड एच जी टू सी एल टू ऑर्गेनिक के अंदर है इथाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड ई एम सी फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट एंड मिथॉक्सी इथाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड तो बाय नेम एक्चुअली आपको सारे पता होने चाहिए कि सल्फर फंजिसाइड्स कौन कौन से हैं फिर कॉपर फंजिसाइड्स कौन से हैं मर्क्यूरिक फंजिसाइड्स कौन कौन से हैं और उनको हम किन जो उनका ट्रेड नेम के किस नाम से ये बाजार में मिलते हैं और कौन सी डिजीजेस के अगेंस्ट ये इफेक्टिव हैं इनऑर्गेनिक दैट इज एड जी सी एल टू वॉज यूज अर्लियर एज सीड ट्रीटमेंट एस टी इज़ फॉर द सीड ट्रीटमेंट बट ड्यू टू हाई टॉक्सिसिटी नॉट नाउ यूज तो ये बहुत ज़्यादा इसकी हाई टॉक्सिक टॉक्सिक थी ये सीड्स के लिए इसलिए इसको अब यूज़ नहीं किया जाता है ऑर्गेनिक यूज इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर द सी ट्रीटमेंट्स दे आर सोल्ड इन इंडिया अंडर द फॉलोइंग नेम्स की एल्गोसॉन्जियन है एगालाल कैरसन एरेटन एक्सेट्रा है और ये इनकी अलग अलग दे रखी है यूज एज सीड ट्रीटमेंट जो आर और मेज़ में इसको काम में लिया जाता है बाजरा कॉटन एक्सेट्रा वन परसेंट मेटालिक मरक्यूरी तो यू जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड इसमें डिटेल्स दे रखी हैं कि ये किस किस मतलब डायलूशनस के अंदर काम लेती हैं और किन किन डिजीज में मेनली हम इसको सीड ट्रीटमेंट्स की जैसे काम लेते हैं ओके okay? नाउ हीट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स हीट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्टन की तो कैप्टन एंड ट्राइक्लोरोल थार साइक्लोहैगजीन वन टू डाई कार्बोक्सियमाइड इस ये है इसका कैप्टन का फॉर्मूला देन ट्रेडनेम कैप्टन है एसोफनजिसाइड है तो ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे और इनको हम किस लिए यूज करते हैं कैप्टन को इट इज़ यूज फॉर द सीड ट्रीटमेंट एंड सॉयल ट्रीटमेंट एस टी इज़ फॉर द सी ट्रीटमेंट एंड एस एल टी इज फॉर द साइल ट्रीटमेंट अवेलेबल एज वेटेबल पाउडर एट्टी थ्री परसेंट इन इंडिया तो यदि आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ऐट द रेट ऑफ कितने परसेंट चाहिए सॉयल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका डिटेल्स uh, दे रखी है मैंने एंड डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ कौन सी कंट्रोल होती है डिजीज़ कंट्रोल डैम्पिंग ऑफ ऑफ सीडलिंग कॉज्ड बाय द पाइथियम नेक्स्ट है कैप्टाफोल तो इसका भी ये नाम दे रखा है इसका ट्रेड नेम ये किस नाम से आती है डिफ्लोटैन देन डिजीज कंट्रोल ऑल्टर ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो देन फॉल पैट है दिस इज़ आल्सो यूज्ड फॉर दिस एस एज इन द इट इज़ आल्सो यूज्ड अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू डिजीजेस तो ये कुछ नाम हैं देन कम्स द क्विनॉन फनजी सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फनजी हैं आपको उनका नाम बेसिक नाम तो देखना ही है उनके एग्जाम्पल्स भी देखने हैं कि उनके अंदर कौन कौन सी जो मार्केट में अवेलेबल हैं किस नाम से ये बिकती हैं ट्रेड नेम क्या है उनका सो किनोन फंजी में पहला है क्लोरोनिल इसका फॉर्मूला है टू थ्री फाइव सिक्स टेट्रा क्लोरो वन फोर बेंजिक ट्रेड नेम है स्पैर्गन एक्चुअली मुझे लगता है कि आप जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर्स उसमें आप देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उसी हिसाब से आप इसको प्रिपेयर कीजिए देन इट इज़ यूज एज अ सी ट्रीटमेंट इट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया डिजीज कंट्रोलर स्मार्ट एंड बंड्स और इसका दे रखा है कि किस तरह से कितने डाइल्यूशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं देन अनादर क्विनोन फंजिसाइड इज डाइक्लॉन इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो क्या टू थ्री डाइक्लोरो वन फोर ट्रेड नेम इज फाइगॉन फाइगोन एक्सेल इट इज यूज एज

इसका केमिकल फार्मूला आप देख लीजिए क्या होता है देन इसका ट्रेड नेम है डाइजोबेन का डैक्सॉन इट इज यूज फॉर द सी ट्रीटमेंट एंड फॉर द सॉइल ट्रीटमेंट ऑल्सो एंड डिजीज कंट्रोल इज डैम्पिंग ऑफ एंड रूट रॉट देन सेकेंड जो आपकी बेंजिन कंपाउंड्स है वो है क्लोरोन इसका ये केमिकल फार्मूला इज टू फोर फाइव सिक्स क्लोरो नाइट्राइल ट्रेड नेम कवच है ब्रेवो है टर्माइल एक्सेट्रा इट इज़ यूज फॉर द फॉलियर स्प्रे एंड डस्टिंग एंड डिजीज कंट्रोल इज अर्ली ब्लाइट देन डाउनी मिल्ड्यू रस्ट स्कैप एक्सेट्रा ओके फिर कॉन्टीन्यूशन में वो है डायनो कैप है इसका फॉर्मूला है ट्रेड नेम है इट इज़ यूज एज अ फॉलियर स्प्रे डिजीज कंट्रोल इज पाउडरी मिल्ड्यू सो थैंक यू सो मच ये जो टॉपिक है जो डिफरेंट जो मैंने आपको बताए हैं फनजी ये आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे तो आप इनको हर एक के दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स उनके नाम और कौन कौन सी डिजीज के अंदर वो काम आता है बिकॉज एक तो एक बिग क्वेश्चन भी एक बड़ा आपका जो मतलब आप, आपका जो फोर या फाइव मार्क्स का जो क्वेश्चन है Uh, उसके अंदर भी पूरा आ जाता है केमिकल कंट्रोल के बारे में राइट एन एस इट तो उसमें आपको सब सारा कुछ जो भी मैंने बताया वो आपको डिटेल में बताना है कि कौन कौन से केमिकल फंजिसाइड्स होते हैं तो इसलिए आपको हर एक चीज़ का uh, मतलब किस तरह से आप उसे क्लासिफाई करते हैं जो भी मैं बता रही हूँ दैट इज़ सफिशियंट आप उतना ही उसमें लिखिए तो भी वो uh, सही होगा ओके थैंक यू सो मच अभी इसका एक कुछ और बचता है जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंपाइल अप करेंगे थैंक यू